हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइज़, जैसे कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी हो, चाहे सर्वर सिक्योरिटी हो, चाहे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, चाहे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, प्रोफाइल के लिए, अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो गाइस, अभी तक मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर किया है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ बिट हाई लेवल सिक्योरिटी बिट टॉक अबाउट। अगर हम बात करें कि थोड़ा सा जो हायर सिक्योरिटी होती है तो उस कंडीशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बेसिकली अगर हमको हाई सिक्योरिटी इस्तेमाल करनी है और आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सर्वर हो चाहे नेटवर्क हो। तो वही चीज़ इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ बिना डिले किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो गाइज़, मैं मूव करता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको ट्रबल शूटिंग की पूछे या फिर अब डेप्थ में आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी के बारे में, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पोर्ट ब्लॉकिंग विद इन लैन। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो लोकल एरिया कनेक्शन है वहाँ पे पोर्ट ब्लॉकिंग का क्या मतलब है, उसको हम पोर्ट ब्लॉकिंग क्यों करते हैं। सपोज ये मेरे पास लैन है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है, इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो ये मेरा क्या है, ये लैन हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लॉकिंग का क्या काम है, तो यहाँ पे कहता है इसका आंसर क्या रहेगा आपका, रिस्ट्रिक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग अ सेट ऑफ सर्विसेज विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड पोर्ट ब्लॉकिंग। तो क्या होता है, सपोज अगर अब बात करो यहाँ पे ऐसे ना करके, एक ये स्विच लगी है मेरे पास यहाँ पे 24 पोर्ट की या 48 पोर्ट की, तो मैं क्या करूँगा, 3 पोर्ट मेरे यूज़ हो रहे हैं तो बाकी के जो 21 पोर्ट रहे हैं या फिर 45 पोर्ट्स हैं तो मैं उनको क्या है, पोर्ट को ब्लॉक कर दूंगा ताकि कोई अनऑथराइज बंदा मेरी स्विच पे आके अपने सिस्टम कनेक्ट ना कर सके और उसकी सर्विस को एक्सेस ना कर सके, उसको हम पोर्ट ब्लॉकिंग बोलते हैं। सिर्फ 3 ही एक्टिव रहेंगे, बाकी के हम ब्लॉक कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं। आप ये अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि हम स्विच के पोर्ट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं सिक्योरिटी लगा के। तो ये था, हाँ, पोर्ट ब्लॉकिंग क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गाइज आप लोगों का, हाउ डू वी डू ऑथेंटिकेशन विथ मैसेज डाइजेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज, मैसेज डाइजेस्ट जो रहता है हमारा MD5 उसको बोलते हैं और ये OSPF में यूज होता है। यूजली MD इज़ यूज फॉर फाइंडिंग टैम्परिंग ऑफ डेटा। तो बेसिकली काम क्या होता है, जो MD अगर हम यूज़ कर रहे हैं या कोई प्रोटोकॉल इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम होता है जो जो टैम्पर्ड हुआ होता है डेटा है उसको ये आइडेंटिफाई करता है और उसको रिकोगनाइज करता है डेटा ट्रांसमिशन के दौरान में। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेशन कैसे होगा करके, तो अभी देखेंगे हम यहाँ पे, द यूनिक नंबर विल बी जनरेटेड बाय MD5। तो अगर हमने इसको कॉन्फिगर किया ऑथेंटिकेशन के लिए, आप ये भी देखेंगे मैंने प्रीवियस वीडियोस काफ़ी वीडियो अपलोड किया उसमें बताया है कि इसको कैसे कॉन्फिगर करते हैं इसको राउटर्स पे। तो अगर हमने यहाँ पे कॉन्फिगर किया तो ये क्या है, एक यूनिक नंबर जनरेट करता है। इफ़ इट इज़ अ टैम्पर्ड विद समवंस द वैल्यू विल बी चेंज, सो यू नो यू आर टैम्पर्ड। तो बेसिकली क्या है, अगर डेटा सही है तो ये एक नंबर जनरेट करेगा, सपोज यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये ओके है, बट अगर ये 4 हो गया या 5 या 6 हो गया खुद ब खुद, तो ये कंसिडर करता है कि आपका डेटा टेम्पर्ड हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन के टाइम पे हमको, आई मीन ऑथेंटिकेशन के बाद में ये पता चलता है, तो बेसिक काम इसका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए आप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ARP एंड RARP और हाउ बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल विल वर्क एंड वेयर इट विल यूज़। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं, इसी के अंदर 3-4 क्वेश्चन है और इसके अंदर ये यूज़ कहाँ होगा, तो एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम ARP को, तो इसका मीनिंग क्या होती है, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये बेसिकली, इज़ यूज टू मैप IP एड्रेस टू द हार्डवेयर एड्रेस विच इज़ हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मैपिंग के लिए अगर ये यूज होता है, IP एड्रेस टू नेटवर्क एड्रेस, IP एड्रेस टू मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
एड्रेस यूज्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। तो ये सेकंड लेयर पे यूज होता है बेसिकली। अब इसका काम क्या था, एआरपी प्रोटोकॉल ऑपरेट्स बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो जो हमारे पास ओएसआई रेफरेंस मॉडल है उसमें क्या है, ओएसआई जो हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है, तो उसमें क्या होता है, ये नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में इस्तेमाल होगा ये एआरपी, हमारे पास आईपी एड्रेस को और मैक एड्रेस को मैप करने के लिए। अभी दूसरा इसमें RARP, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इज अ प्रोटोकॉल बाई विच अ फिजिकल मशीन इन अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन रिक्वेस्ट टू लर्न आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे होता क्या है, सपोज हमारे पास ये हमारा एक लैन है, वहाँ पे अभी हमारे पास एक मशीन है, एक यही कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को आईपी एड्रेस बताइए, ये मेरा एक एड्रेस है, इसके लिए क्या आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे हमारा क्या गेटवे क्या रहेगा, यहाँ पे गेटवे सर्वर, हमारे पास राउटर भी हो सकता है और गेटवे सर्वर भी हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आप मेरे को, ये मेरा मैक एड्रेस है, आपके राउटिंग टेबल में इस मैक एड्रेस के लिए क्या आईपी एड्रेस है। तो ये काम होता है हमारे पास RARP का, ठीक है। और जो हमारे पास ARP है उसका काम होता है नेटवर्क एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पे मैप करना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस को सर्च करना या मैप करना आप कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों प्रोटोकॉल में, ARP पे और RARP पे। तो अभी दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल एंड मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। तो ये दो तरीके के हमारे पास एक्सेस कंट्रोल होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी एक एक्सेस कंट्रोल और एक मैंडेटरी। तो हम देखेंगे, इसको हम DAS भी बोलते हैं, डैश करके। तो इस यूज बाई इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू इट इज एक्सेस एंड कंट्रोल वाइल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये खुद ब खुद अपने आप को खुद को यूज करता है ये, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेटा एक्सेस। अभी यहाँ पे हमारे पास जो मैस होता है जिसको हम मैंडेटरी एक्सेस बोलते हैं, इट हैज़ टू बी कंपल्सरीली गिवन द एक्सेस कंट्रोल। तो अभी इसमें क्या है, इसको इसको एक्सेस देना पड़ता है, आपको देना ही पड़ेगा, कि जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं देंगे उसको कोई डेटा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइस, एक्सप्लेन हाउ डू वी यूज RSA फॉर बोथ ऑथेंटिकेशन एंड सिक्रेसी। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास जो रिमोट सर्वर ऑथेंटिकेशन की बात करें, या फिर जो हमारे पास RSA होता है, तो उसको हम सिक्रेसी और ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, RSA इज बेस्ड अपॉन पब्लिक की प्राइवेट की कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। फॉर ऑथेंटिकेशन वन कैन इनक्रिप्ट द हैश MD5 और SHA ऑफ द डेटा विथ हिज प्राइवेट की। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम प्राइवेट की के साथ में इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये क्या हुआ इसका, इसको हम डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो ये उसका ऑथेंटिकेशन हुआ। एंड सीक्रेसी इज अचीव्ड बाई इनक्रिप्टिंग द डेटा विद द पब्लिक की फॉर द टारगेट यूजर। तो अभी हमारे पास इसकी सीक्रेसी की बात करते हैं हम, अगर तो उसमें क्या है, हमको उसको हम उस डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे और ज़्यादा इनक्रिप्ट करेंगे, उसके साथ में पब्लिक की भी लगा देंगे और उस जो यूज़र है टारगेट यूज़र उसको भेज देंगे। तो इस तरीके से हम क्या उसको ऑथेंटिकेशन के लिए और सीक्रेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एक्सप्लेन वॉट इज़ द रोल ऑफ सिंगल साइन ऑन इन ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम SSO भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है बेसिकली, तो बेसिकली गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखें हम, तो सिंगल साइन ऑन जिसको हम SSO बोलते हैं, इज अ मैकेनिज्म वेयर बाय अ सिंगल एक्शन ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कैन परमिट अ यूजर टू एक्सेस ऑल कंप्यूटर्स एंड सिस्टम वेयर ही हैज एक्सेस परमिशन विदाउट द नीड टू एंटर मल्टीपल पासवर्ड। तो इसमें क्या होता है, एक ही यूजर नेम और एक ही पासवर्ड के थ्रू ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को सिस्टम को ये एक्सेस कर सकता है, उसको हर एक सिस्टम के लिए और हर एक कंप्यूटर के लिए बार बार पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल साइन ऑन बोलते हैं। और देखें तो सिंगल साइन ऑन रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, तो इससे क्या है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम फेल्योर एंड इज देयर फॉर हाईली डिजायरेबल बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट होता है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हमको पता होना चाहिए इसका यूज़ क्या है टेक्नोलॉजी में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन इन मोबाइल एंड कंप्यूटर एंड होम, इज इट पॉसिबल दैट वी सी एंड लिसन पर्सन वॉइस एंड एक्टिविटी केयरफुली फॉर डिस्ट्रॉइंग देयर प्राइवेसी। तो कहने का मतलब क्या है, क्या हम फोन पे कंप्यूटर पे कुछ ऐसा पॉसिबल है घर पे कि हम किसी को उसकी आवाज़ सुन सकें, उसको हम लाइव देख सकें और उसकी प्राइवेसी और उसकी हम जो प्राइवेसी है उसको क्या है वो सिक्योर रहे, वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यस, ये पॉसिबल है, अगर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए अगर देखें तो यस, इट कैन बी पॉसिबल बाई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर एंड 3G इन मोबाइल। तो वीडियो कॉलिंग उसका एक एग्जाम्पल है। हम अगर मोबाइल की बात करें और कंप्यूटर की बात करें तो हम जो स्काइप यूज़ करते हैं तो उस इन मतलब 3G मोबाइल हो गया और स्काइप हमारा सॉफ्टवेयर होगा, उसकी हेल्प से हम आदमी को लाइव देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं और वो सिक्योर रहता है जो हमारा कम्युनिकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक्सप्लेन वॉट डज CIA, ये आप देखेंगे CIA स्टैंड फॉर इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में CIA का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी, वो डेटा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सीक्रेट रहना चाहिए। और इंटीग्रिटी क्या होती है, जो डेटा जैसा का तैसा रहना चाहिए, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और अवेबिलिटी क्या होती है, ये 24 घंटे 24/7 हमको अवेलेबल होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, CIA बोलते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। तो ये तीनों चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और अगर इसकी हम बात करें इसमें अकाउंट्स की बात करें तो ये सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट होता है। तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी की बात करेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट के टर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन एक्सप्लेन फॉर ए स्मॉल लैन विच क्लास ऑफ एड्रेस इज यूज। आप एक छोटे से छोटी लैन बनाने जा रहे हैं तो उस लैन पे आप किस तरीके का IP एड्रेस यूज़ करेंगे, कौन सी क्लास का। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम देखें तो फॉर स्मॉल लैन वी कैन यूज क्लास सी एड्रेस, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि आपके पास नेटवर्क कितना, आपके रिक्वायरमेंट की है, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। बेसिकली हम जनरली क्लास सी के लिए ही जाते हैं अगर देखें तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज ट्रेस रूट वर्क। जो ट्रेस रूट है वो काम कैसे करती है, एंड हाउ डज ट्रेस रूट मेक श्योर दैट द पैकेट फॉलोज द सेम पाथ दैट ए प्रीवियस विथ TTL-1 प्रूव पैकेट वेंट इन। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, पूछते हैं कि ट्रेस रूट वर्क कैसे करता है और आप इसको इंश्योर कैसे करोगे कि आप श्योरिटी क्या है कि यहाँ पे आपका डेटा बराबर चला गया है। तो यहाँ पे होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी ट्रेस रूट वर्क यूजिंग ICMP पैकेट्स। तो ये ICMP पैकेट यूज करता है, सबसे पहले फर्स्ट सोर्स सेंड एन ICMP पैकेट विद TTL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सोर्स सिस्टम रहेगा वो TTL सेंड करेगा, TTL फील्ड्स एज 1 टू द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे 1 करके ये डेस्टिनेशन एड्रेस को जाएगा। अब होगा क्या, नाउ इंटरमीडिएट राउटर रिसीव द पैकेट। अभी जो बीच में जो राउटर्स रहेंगे वो हमारा क्या है पैकेट रिसीव करेंगे एंड सी द TTL फील्ड हैज़ एक्सपायर्ड, सो इट सेंड्स ICMP TTL एक्सपायर्ड रिप्लाई। अभी यहाँ पे अगर हम यहीं पे देखते हैं CMD और मैं ट्रेस रूट कमांड ना, ओके ट्रेस रूट की कमांड रन करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं 8.8.8। अब हिट करते हैं, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड। चल ट्रेस RT लिखते हैं इसकी जगह में, हम ट्रेस RT काम करेगा, ट्रेस RT 8.8.8। तो यहाँ पे देखेंगे हमको क्या आ रहा है, ये यहाँ पे जो लिखा है कि TTL वैल्यू आएगी। और ये अभी ये देखेंगे तो ये वाले राउटर होते हैं बेसिकली, ये कौन कौन से नेटवर्क को क्रॉस करके जा रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये राउटर रिप्लाई करता है, राउटर ने रिप्लाई कर दिया, नाउ द सोर्स मशीन गेंस अगेन सेंड्स द ICMP पैकेट विद TTL फील्ड 2। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें
जो पहले पे गया तो इस राउटर ने उसको रिवर्ट कर दिया कि ये हो गया, उसके बाद में फिर से इसने दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, तो इस तरीके से ये TTL सोर्स भेजते रहेगा और राउटर से इसको रिवर्ट मिलते रहेगा। आगे क्या होगा इसमें देखेंगे। दिस टाइम सेकेंड इंटरमीडिएट राउटर रिप्लाइज, अभी दूसरा राउटर रिप्लाई करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द डेस्टिनेशन इज रीच, दैट वे द सोर्स कैन गेट द एंटायर रूट अप टू डेस्टिनेशन। तो इससे क्या है, जितने भी राउटर इसके बीच में आएंगे उनको यहाँ से रिप्लाई आएगा और इस तरीके से अपडेट आती रहेगी। अभी ये शायद कहीं पे जाके बंद पड़ गया है ये, और जब तक नहीं आएगा ये चलते रहेगा। 16 आएंगे, उसके बाद में ये फिर बंद हो जाता है, बाई डिफॉल्ट 16 रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये चलते रहेगा जब तक कि हमारा डेस्टिनेशन इसको पता ना चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड कोलिजन डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, सेंड द पैकेट टू ऑल द प्रेजेंट नेटवर्क। तो सपोज जितने भी नेटवर्क हैं वो सबको वो पैकेट फॉरवर्ड करेगा। और इट मे बी सेंड बाय अ पर्सन, ये कोई पर्सन के द्वारा भी भेजा जा सकता है। इट मे ब्रॉडकास्ट बाय द स्विच व्हेन द एड्रेस नॉट फाउंड इन द नेटवर्क। सपोज अब हमारे पास क्या है, एक स्विच है, ठीक है, अभी उसको कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो अगर इधर तीन कंप्यूटर लगे तो वो तीन कंप्यूटर को डेटा भेजेगी, तो वो ब्रॉडकास्टिंग होगी। या कोई आदमी ने सारा का सारा डेटा सबको ही भेज दिया, तो वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोलिजन डोमेन की बात करें तो स्विच हैज़ नो कोलिजन एज कम्पेयर टू हब। अभी स्विच अगर हमने यूज़ किया है तो वहाँ पे कोलिजन नहीं होगा, बट हब में होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, लेयर ऑन डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन इज द एरिया वेयर व्हेन वन डिवाइस इन द नेटवर्क सेंड्स द डेटा और पैकेट, इट विल रिसीव बाय ऑल द डिवाइसेस प्रेजेंट ओवर द नेटवर्क। तो होगा क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सब फिर से यहीं पे अगर हम कोई एक डिवाइस है और इधर पे जितनी भी और डिवाइसेस लगी हो सबकी सब क्या है, वो डेटा को रिसीव करेगी उस नेटवर्क पे, उसको बोलते हैं हम कोलिजन डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हुआ हमारा, और ये हमारा हुआ कोलिजन डोमेन। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, स्विच हैज नो कोलिजन डोमेन एज कंपेयर टू हब, लेयर ऑन डिवाइस ब्रॉडकास्ट डोमेन इज द एरिया When one device in the network sends the data or packet, it will receive by all the devices present over the network. Now next question है, how do you secure a wireless network? हम हमारे जो हमारे पास wireless network है उसको secure कैसे कर सकते हैं? तो basically अगर हम इसकी बात करें तो most wireless routers allow you to encrypt using a पास फ्रेस। तो यहाँ पे क्या हमको इंक्रिप्शन के ऑप्शन मिलते हैं काफ़ी सारे। व्हेन यू डू चूज अ पासवर्ड मेक श्योर दैट इट इज़ यूजेस, आई मीन जब हम कोई पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, लोअर केस अपर केस, ठीक है। यू विल वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द वर्ड्स और फेसेस दैट कैन बी फाउंड इन द डिक्शनरी एंड सेट इट फॉर WPA। तो बेसिकली हमको क्या है, ये WPA2 यूज़ करना चाहिए मोर सिक्योरिटी के लिए, वायरलेस के लिए, और पासवर्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री लेग्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो जो हमारे पास मैंने पहले बताया था CIA, उन्हीं को हम थ्री लेग्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये हमारे तीन पैर होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी भी पूछा जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी इज द डिलीवरेट अटेम्प्ट और टू ऑब्सक्योर और स्क्रैम्बल द इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली एन ऑथराइज रिसीवर कैन सी द मैसेज। तो बेसिकली क्या है, ये एक टेक्निक है या एक एक मेथड है जिसके थ्रू क्या है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है कि हम जिसको भेज रहे हैं वो ऑथराइज होना चाहिए और ऑथराइज पर्सन ही इसको रीड कर सकता है और देख सकता है उस मैसेज को। अभी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी में एम्प्लॉय क्रिप्टोग्राफी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, बट हैज़ मैनी अदर टूल्स टू सिक्योर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग फायरवॉल। अभी हमारे पास इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो फायरवॉल हो गई, ऑडिटिंग हो गई, और इंटरसन डिटेक्शन प्रिवेंशन IDS हो गए, और भी सारी चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी वुड बी यूज ओनली वेन ट्राइंग टू कीप मैसेज सीक्रेट वेन सेंडिंग देम अक्रॉस द नेटवर्क और कीपिंग इन्फॉर्मेशन सीक्रेट इन अ फाइल। तो क्रिप्टोग्राफी एक कह सकते तो आप लिमिटेड है एज कम्पेयर टू हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें। नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये डिफरेंस है क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइज, व्हाट इज एन आईपी ग्रैबर? आईपी ग्रैबर क्या होता है? एन आईपी ग्रैबर इज अ प्रोग्राम दैट विल फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ अनदर कंप्यूटर, ऑफन यूज बाय द हैकर। तो ये एक तरीके का क्या सॉफ्टवेयर है या टेक्निक है जो हैकर यूज़ करते हैं किसी दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पासवर्ड पॉलिसी क्या होनी चाहिए? तो बेसिकली वही होता है कि आप पासवर्ड पॉलिसी शुड रिक्वायर दैट अ पासवर्ड, जो जो पासवर्ड होना चाहिए तो वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर, और एवरी 60 डेज चेंज होना चाहिए। कैन नॉट बी यूज द सेम पासवर्ड, कुछ उस दिन के बाद में सेम पासवर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, और वो अगर गलत पासवर्ड डाल रहा है तो वो क्या है लॉक हो जाना चाहिए। इससे जो हमारे अटैक्स रहते हैं बाहर से अटैकर हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ ऑफन आर लॉक्स रिव्यू? जो लॉक्स बनते हैं कंप्यूटर में हम उनको कैसे रिव्यू करते हैं, कितने दिन बाद आप रिव्यू करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है बेसिकली। तो बेसिकली ये तो क्या है एवरी डे होना चाहिए, और आपको जैसा लगे आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो लॉक्स शुड बी रिव्यूड एवरी डे, दिस इंक्लूड IDS लॉक्स, सिस्टम लॉक्स, मैनेजमेंट स्टेशन लॉक, बहुत सारे लॉग होते हैं। आप अगर आपका नेटवर्क सिक्योरिटी में रहेंगे तो आप उन सारी चीज़ों को क्या है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या 15 डेज पे आप उनको क्या है रिव्यू करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर्ड? तो अभी आपके पास जो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप कैसे सिक्योर किया है, आप कैसे सिक्योर करेंगे करके। तो फिर से वहीं पे है, वायरलेस सिक्योर वायरलेस एक्सेस मस्ट एटलीस्ट यूज़ WEP विथ 128-bit इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन होगा एटलीस्ट हमको WEP यूज़ करना चाहिए। ऑल्दो दिस प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, इट इज़ नॉट वेरी रोबस्ट, विच इज़ वाई योर वायरलेस नेटवर्क शुड नॉट बी यूज फॉर सेंसिटिव डाटा। तो जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसमें हमको सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिशन के लिए उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी उसमें देखेंगे, कंसिडरिंग मूविंग टू द 802.11i स्टैंडर्ड विथ AES इंक्रिप्शन। सो बेसिकली इतना आपको कोशिश करना चाहिए कि वायरलेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इंक्रिप्शन और जो भी अवेलेबल है हमारे पास वो यूज़ करना चाहिए। तो WEP तो आप करना ही करना चाहिए, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एप्लीकेशन एंड सर्विस आर स्पेसिफिकली डिनाइड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी? तो कहने का मतलब गाइज ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप किस तरह की एप्लीकेशन नहीं चलाते हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से, कि अगर आप वो चलाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी बाहर जाएगी और चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, दिस कैन इंक्लूड अमंग अदर्स लाइक बीइंग इन अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। ठीक है, कुछ हम वेबसाइट बंद कर सकते हैं जिस पे कुछ भी उटपटांग चीज़ें देखी जा रही हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उसके थ्रू वायरस आ रहे हैं और या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्पैम, ये सारी चीज़ें भी हम बंद कर सकते हैं। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, ये भी हम क्या है डिनाइड कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, मैसेजिंग की साइट भी हम बंद कर सकते हैं, कोई मैसेज कर रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है बाहर इस पर गूगल पे बैठ के अपना या कोई मैसेंजर पे और सारी इन्फॉर्मेशन बाहर भेज रहा है। अनऑथराइज वायरलेस डिवाइसेस, अनऑथराइज वायरलेस डिवाइसेस को भी हम अलाउ नहीं करते हैं बेसिकली। यूज़ ऑफ अन इनक्रिप्टेड रिमोट कनेक्शन सच एज टेलनेट, और कहना चाहिए अगर हम कुछ रिमोट ले रहे हैं तो हमको टेलनेट या FTP जैसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसको भी हम बेसिकली बंद मतलब डिनाई कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। वॉट रिमोट आई मीन वॉट डेस्कटॉप प्रोटेक्शंस आर यूज, तो जो हमारे पास डेस्कटॉप होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो डेस्कटॉप शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पर्सनल फायरवॉल एंड होस्ट बेस्ड IDC। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम प्रोटेक्शन के लिए डेस्कटॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली करना चाहिए। ईच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर पैकेज मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड, और रेगुलरली क्या है अपडेटेड होना चाहिए, न्यू सिग्नेचर उसमें डिप्लॉय होने चाहिए, और दे मस्ट ऑल्सो बी सेंट्रली मैनेज एंड कंट्रोल। तो ये क्या है बेसिकली एक सेंट्रली हमको इसको मैनेज करना चाहिए और कंट्रोल करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। अब डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, तो नेटवर्क
सिस्टम सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे, तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेंट्रेट ऑन द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स। अभी इसके बाद में नेक्स्ट है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारे पास क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे तो अभी नेटवर्क सिक्योरिटी थी, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंट्रोल बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑन द सर्वर इटसेल्फ। तो सपोज हमारे पास कुछ सर्वर पे रिसोर्सेज है तो उसको किस तरीके का एक्सेस देना है ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक। अभी सोशल इंजीनियरिंग का यही एक एग्जाम्पल है फिशिंग अटैक, उसी को हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी बोलते हैं। तो इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले इसमें क्या है अगर हमारे पास फायरवॉल होती है तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम IDC और IDS बेसिकली और IPS उसको इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके के अटैक्स होते नहीं है, मेल नहीं आते हैं और ये हमारा फायरवॉल उसको ही रोक के रखता है, हमारे नेटवर्क के अंदर आने नहीं देता है। अगर कुछ भी वहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो उसको क्या कहते हैं अपने आप कुछ ना कुछ एक्शन लेके उसे इंटरनल नेटवर्क में आने नहीं देता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ कैन ए स्विच हेल्प रिड्यूस नेटवर्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अभी हमारे पास एक स्विच है और वहाँ पे क्या है 200 सिस्टम का एक नेटवर्क है। अभी उस कंडीशन में हमारे पास 150 सिस्टम ही लगे हैं और 50 पोर्ट खाली है, तो हम उस कंडीशन में स्विच को क्या कैसे यूज़ करें कि वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी की पॉसिबिलिटी कम हो जाए वहाँ पे और सिक्योरिटी बढ़ जाए बेसिकली। अगर बात करें तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसमें कि पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम पोर्ट ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पे कोई अनऑथराइज कंप्यूटर ऐड नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं और उससे क्या होगा उस कंडीशन में उन पोर्ट पे ट्रैफिक भी नहीं जाएगा, उन पोर्ट पे ट्रैफिक आएगा भी नहीं, तो हमारा जो नेटवर्क क्या है वो फास्ट रहेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है अभी विच लेयर इज डन बाय कंजेंशन कंट्रोल। तो अभी जो हमारे पास कंजेंशन का एक प्रॉब्लम होता है तो वो किस लेयर पे होता है, जो 7 लेयर होती है और कौन सी लेयर उसको मैनेज करती है कंट्रोल करती है। तो बेसिकली ये होता है एट द नेटवर्क लेयर। अभी 7 लेयर में ये तीसरे नंबर की लेयर है जो हमारी नेटवर्क लेयर रहती है, वहाँ पे ये कंजेंशन होता है और उसको ये कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हाउ डस सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन वर्क। तो अभी जो हमारे पास सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन होता है वो कैसे काम करता है यहाँ पे, तो इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रिक्वायर्स दैट बोथ पार्टीज। अभी हमारे पास सेंडर और रिसीवर जो है दोनों के पास में क्या है सेम इंक्रिप्शन की होना चाहिए। अगर मैंने वो डेटा भेजा है यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो वो मैच होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ है तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस है तो वो डेटा क्या है सिक्योर नहीं रहेगा और वो डेटा रीड नहीं हो पाएगा। इस तरीके से क्या है सिमेट्रिक की काम करती है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ डज एन इंक्रिप्शन हेल्प सिक्योरिटी ऑफ अ नेटवर्क। अभी नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इंक्रिप्शन कैसे काम करता है, तो इंक्रिप्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास जो डेटा रहता है उसका फॉर्मेट चेंज कर देता है। अभी दोनों सिस्टम को फिर से जो सेशन उनके बीच में क्रिएट होगा तो जो की है वो एक्सचेंज होगी, जब तक सेंडर से रिसीवर के पास में वो की नहीं रहेगी वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, यही इंक्रिप्शन होता है। उसी तरीके से हाउ अ सबनेट यूज टू इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी। अभी सबनेट के थ्रू हम नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बेसिकली क्या है फिर इसमें अगर बेसिकली सबनेट का काम ही क्या होता है नेटवर्क और नेट मतलब जो हमारे पास सबनेट है उसमें होस्ट और नेटवर्क को डिफाइन करता है। तो जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम सबनेट मार्क्स ले सकते हैं और हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी ज़्यादा ढेर सारे IP अवेलेबल करा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें सबनेट मार्क्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसी तरीके से व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक आर यू डिनाइंग एट योर फायरवॉल। तो अभी हमारे पास सपोज फायरवॉल है तो आप वहाँ पे किस तरीके का ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं इनकमिंग के लिए भी और आउटगोइंग के लिए, तो बहुत सारी ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है, आप क्या अलाउ करना चाहते हैं क्या अलाउ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ पे। तो बेसिकली हम मैलिशियस एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करते हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुँचाए। अब उसी तरीके से एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज सैम, सैम क्या होता है, तो सैम का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। तो सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर क्या होता है लोकल भी एक क्रिएट होता है हमारे पास जो डेस्कटॉप की बात करें अगर सिंगल कंप्यूटर है तो वहाँ पर जितने भी यूज़र्स रहेंगे उनकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रहती है,
ठीक है। अब अगर हमारे पास डोमेन है तो वो एक्टिव डायरेक्टरी में रहती है बेसिकली, तो इसको हम सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर बोलते हैं, जो सारी भी उसका यूज़र नेम पासवर्ड, उसको क्या राइट्स है क्या राइट्स नहीं है, सारा का सारा उस सैम के अंदर रहेगा जितने भी यूज़र्स हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एक्टिव FTP नॉट वर्क विद द नेटवर्क फायरवॉल। अभी हमारे पास क्या है, नेटवर्क फायरवॉल है उस कंडीशन में FTP वर्क नहीं करता है, तो इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली होता क्या है, दो तरीके का यहाँ पे फायरवॉल वर्क होता है। एक हमारे पास जो हार्डवेयर फायरवॉल लगाते हैं हम, चाहे वो सिस्को का हो चाहे सोनिक वॉल हो, और एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल होता है। तो दोनों का अलग अलग रोल होता है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, व्हेन अ यूज़र इनिशिएट कनेक्शन विद द FTP सर्वर, अभी हम FTP सर्वर के साथ एक्सेस करने के लिए क्या है, रिक्वेस्ट किया या फिर हमने इनिशिएट किया, तो यहाँ पे 2 TCP कनेक्शन आर इस्टेब्लिश्ड। अभी इधर पे 2 TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होंगे, द सेकेंड TCP कनेक्शन वो रहेगा हमारा FTP डेटा कनेक्शन इज इनिशिएटेड एंड इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम FTP सर्वर। तो जो TCP कनेक्शन रहेगा और या फिर उसको हम FTP डेटा कनेक्शन बोले, तो ये सर्वर के एंड से इनिशिएट होगा। अभी उसके बाद में क्या होगा, व्हेन अ फायरवॉल इज़ बिटवीन द FTP क्लाइंट एंड सर्वर, उस अभी इस बीच में एक फायरवॉल आ गई, किसके बीच में, FTP क्लाइंट और FTP सर्वर, द फायरवॉल वुड ब्लॉक द कनेक्शन इनिशिएटेड फ्रॉम द FTP सर्वर सिंस इट इज़ अ कनेक्शन इनिशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड। अभी क्या है, जो फायरवॉल रहेगी वो इसको ब्लॉक कर देगी क्योंकि ये कनेक्शन आ रहा है बाहर साइड से। अभी इसी तरीके से अभी नेक्स्ट होगा क्या, इसने तो ब्लॉक कर दिया, टू रिजॉल्व दिस इशू पैसिव FTP कैन बी यूज। अभी इधर पे कुछ FTP की भी टाइप होते हैं, पैसिव होती है एक्टिव होती है, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, हम पैसिव FTP कैन बी यूज और द फायरवॉल रूल कैन बी मॉडिफाइड। तो हम इस FTP सर्वर के लिए जो हमारे पास फायरवॉल है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज अ ट्रस्टेड करके या अलाउ करके दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑन अ नेटवर्क स्विच कैन बी यूज टू प्रिवेंट रग DHCP सर्वर। तो इसको जो DHCP स्नूफिंग का फीचर होता है वो बेसिकली हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। विच फीचर ऑन अ सिस्को ISO फायरवॉल कैन बी यूज टू ब्लॉक इनकमिंग ट्रैफिक ऑन अ FTP सर्वर। अभी FTP सर्वर पे हमको इनकमिंग जो क्या कहते हैं ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, तो उसके लिए एक्सटेंडेड हमारे पास एक्सेस लिस्ट को हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। एक्सटेंडेड एक एक्सेस लिस्ट हुई और एक हमारे पास में एक और एक्सेस लिस्ट होती है, दो एक्सेस लिस्ट होती है बेसिकली, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो जो एक्सटेंडेड है वो स्टैंडर्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू, मतलब दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ रीज़न एज टू वाई HTTPS शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ HTTP। तो HTTPS ज़्यादा क्यों यूज़ होता है HTTP की जगह पे? तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है इनक्रिप्शन की, इसलिए हम HTTPS यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू HTTP। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिवेंट अ ब्रूट फोर्स अटैक ऑन अ क्या है विंडोज़ लॉगिन पेज। तो विंडोज़ लॉगिन के पेज पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास जो ब्रूट फोर्स अटैक है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या है, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लगा सकते हैं कि अगर आपने 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो आपका यूज़र अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, अकाउंट ब्लॉक रहेगा तो कोई भी आपके क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं कर सकते उस कंडीशन में, कोई भी अटैकर हो कितना भी कुछ कर ले वो सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर पाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ICMP एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट व्हाट इज़ द अटैकर लुकिंग फॉर। तो अभी अगर ये हमारे पास में क्या है, कुछ कोई अटैकर है और वो ICMP रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो बेसिकली क्या देखता है उसमें कि उसको क्या चाहिए करके। तो बेसिकली क्या होता है, वो सबनेट मार्क्स और नेटवर्क को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। द अटैकर इज़ लुकिंग फॉर द सबनेट नेटवर्क मार्क्स ऑफ द विक्टिम। तो जिस कंप्यूटर को भी हैक करना चाह रहा है उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, उसको हैक करने की कोशिश करता है वो। दिस वुड बी हेल्प द अटैकर्स टू मैप द इंटरनल नेटवर्क। तो अभी तो वो क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करेगा और उसको अपने जो इंटरनल नेटवर्क है या जो उसने खुद एक नेटवर्क क्रिएट किया उसके साथ मैप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज RIP वर्जन 1 इनसिक्योर इन अ नेटवर्क। तो जो RIP वर्जन 1 है वो इनसिक्योर क्यों है एज कम्पेयर टू, और सीधा सीधी सी बात करें हम नेटवर्क पे, तो RIP वर्जन 1 डज नॉट यूज़ पासवर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। अभी जो RIP वर्जन 1 है एज कम्पेयर टू RIP वर्जन 2, तो ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड यूज़ नहीं करता है, इसलिए क्या है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो जब भी कॉन्फिगर करते हैं RIP वर्जन 2 ही कॉन्फिगर करते हैं, ये पहले आया था उसके बाद में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए RIP वर्जन 2 को लेके आए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑन अ नेटवर्क स्विच कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट काम फ्लडिंग अटैक्स। तो इसको भी बचाने के लिए या इसको सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए
या फिर इस अटैक को रोकने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी लगा देंगे तो जितने पोर्ट की ज़रूरत है वो एक्टिव रहेंगे, और जितने की ज़रूरत नहीं है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, और जितने अलाउड है उसमें हम पर्टिकुलरली एक मैक एड्रेस लगा सकते हैं कि ये मैक एड्रेस का रिक्वेस्ट आएगा तभी वो वर्क करेगा, अगर कोई दूसरा आया तो वो ब्लॉक हो जाएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल डज HTTPS यूज़ एट द ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर HTTPS सिक्योरिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करती है, तो बेसिकली हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की तो ये दो प्रोटोकॉल यूज़ करता है, कौन सा, एक TCP और UDP। तो TCP जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू UDP। तो ये बेसिकली अगर यहाँ पे HTTPS यूज़ हो रहा है तो TCP ही इस्तेमाल होगा, UDP नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ SRM, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर। तो जो हमारे पास सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर क्या होता है, इज़ द कर्नल, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, अगर उसको देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये ऑडिट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हम उस ऑडिट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर, ये क्या लिखा है, सिकेटेड ईमेल मैसेज। तो बेसिकली इसको स्पैम बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे गाइस, 40 क्वेश्चन, आई होप कि ये सब आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। टिल देन, बाय बाय।